अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा है यूनिट 4 और जिसकी हेडिंग्स हमारे पास अलजबरिक फार्मूला और अलजबरिक एक्सप्रेशंस। तो अलजबरिक फार्मूले पहले हमें पता होंगे, तो फिर उसके बाद हम इसको अलजबरिक एक्सप्रेशंस देखेंगे, फिर सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन देखेंगे और एंड पर रैशनलाइजेशन देखेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा जो पहला है इसमें वो है अलजबरिक फार्मूलाज। अब वो क्या है वो देखते हैं। ये बेसिक्स हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू सॉरी प्लस टू ए बी। ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये दोनों फार्मूले जो उनसे हैं ये आपके पास सेम है, सिर्फ फ़र्क अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस। फिर दो फार्मूले इन्हीं दोनों को मिलाकर बनते हैं। वो कैसे बनते हैं गौर करें। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों आपस में प्लस हो गए तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाए हो जाएगा क्या, ये माइनस वाला प्लस वाले के साथ कट जाएगा, बचेगा क्या टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, यानी कि आपके पास बचेगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर और आप इधर टू कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर बोथ। उसके बाद इन्हीं फार्मूलों को लेकर अगर इनके दरमियान में माइनस लिख दिया जाए तो क्या होगा, माइनस वाली टर्म में ये भी माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या फोर ए बी, आपके पास क्या बचेगा फोर ए बी। और हमारे पास इसके बाद जो फार्मूला है वो है ये दोनों इन दोनों से ड्राइव हुए एक जैसे, वो है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखे कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब एक और हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब ये सब हमारे पास आगे स्क्वायर वाले फार्मूले। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है क्यूब वाले फार्मूले। अब जो क्यूब वाले फार्मूले हैं वो हमारे पास हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आपने बड़े गौर से देखना है, ये बराबर है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। और जो हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब है वो बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब
इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं क्या फ़र्क आ रहा है, बस छोटा छोटा सा ही फ़र्क आ रहा है, जिस तरह ये प्लस और माइनस का इधर फ़र्क आया। अब गिने कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेजर फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। अब आपके पास होता क्या है, एक दो शक्ल और दी होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। वो कहता है x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर किसके बराबर, तो ये यही वाला फार्मूला है और इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x 1 ओवर x कैंसिल हो जाता है। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपने याद रखने हैं। और इसी तरह आपसे यही शक्ल, ये वाली शक्लें पूछी जा सकती हैं, x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। और इसी तरह x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए और ये आप बड़े आसानी से 20 से 25 मिनट में याद कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे तो ये आपको 9th में भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएंगे, फ़र्स्ट ईयर में भी आएंगे, सेकंड ईयर में भी आएंगे, और मज़ीद आगे आप जितनी ज़्यादा क्लासेस जाते जाएंगे ये फार्मूले आपको काम में आएंगे। आई होप सो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप डिसलाइक करें, मुझे बताएं, मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।